टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। पाकिस्तान इस समय आर्थिक और राजनीतिक संकट के दौर से गुजर रहा है। इसी बीच ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग घटा दी है। शेयर बाजार में नया रिकॉर्ड हाई बना है और निफ्टी पहली बार 22,248 के इस ऊंचे लेवल पर ओपन हुआ है। पीएसयू बैंक को ऑटो की तेजी के दम पर शेयर बाजार को सपोर्ट मिला है और बैंक शेयर भी उड़ान भर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में भी आज किसान निकालेंगे ट्रैक्टर रैली। ये ट्रैक्टर रैली ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन से कलेक्ट्रेट तक जाएगी। इस ट्रैक्टर रैली में भारतीय किसान यूनियन टिकेट गुट के किसान शामिल होंगे। पुणे पुलिस ने दिल्ली में रेड मारी है। दिल्ली के हौज खास इलाके में ये रेड पड़ी है। यहाँ से लगभग 1,000 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई है। माना जा रहा है कि ड्रग्स हजारों करोड़ की है। कार्रवाई में अब तक 700 किलो से ज्यादा ड्रग्स बरामद की गई है, जिसकी कीमत 1,400 करोड़ रुपए आकी गई है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया है कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक रहेगा, क्योंकि दिल्ली में चुनाव को लेकर कई अहम बैठकें हैं और राहुल गांधी का वहां मौजूद रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9वें रायसीना डायलॉग का उद्घाटन करेंगे। डायलॉग के मुख्य अतिथि ग्रीस के प्रधानमंत्री कारियाकोस मित्सोताकिस है। किसानों ने दिल्ली कूच करने का ऐलान किया है। शंभू बॉर्डर पर डटे किसान दिल्ली कूच करेंगे। दिल्ली की शराब नीति में घोटाले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत फैसला आ सकता है। कोर्ट ने जमानत की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। एक महीने से भी कम समय में चंडीगढ़ को 2 मेयर मिल गया है। पहला चुनाव के जरिए और दूसरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव के हारे हुए आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया है। कश्मीर के श्रीनगर में मंगलवार को सर्दी के मौसम की दूसरी बर्फबारी हुई है, जबकि घाटी के उच्च इलाकों में पिछले 48 घंटों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई। गुलमर्ग में पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है और लोग स्कीइंग का लुत्फ उठा रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के संस्थापक शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि महाविकास आघाड़ी के घटक दलों के बीच महाराष्ट्र में 39 लोकसभा सीट पर सहमति बन गई है। उन्होंने कहा कि शेष 5 से 6 सीट पर अभी और चर्चा की जाएगी। जिशान सिद्दीकी को मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटाया गया है। इस महीने की शुरुआत में जिशान सिद्दीकी के पिता बाबा सिद्दीकी कांग्रेस छोड़कर अजित पवार गुट एनसीपी में शामिल हो गए थे। बाबा सिद्दीकी के विधायक बेटे जिशान सिद्दीकी पर कांग्रेस ने कार्रवाई की है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बुधवार से मुंबई के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान नड्डा 21 फरवरी को मुंबई के अंधेरी में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके बाद चुनाव संचालन समिति के साथ टिफिन बैठक और क्लस्टर चुनाव संचालन समिति के साथ भी बैठक करेंगे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे की राष्ट्रीय डेमोक्रेटिक गठबंधन में शामिल होने की संभावना जताई है। बीजेपी मुंबई के अध्यक्ष आशीष शेलकर ने राज ठाकरे से मुलाकात की, जिसमें वे 1 घंटे से अधिक समय तक दोनों के बीच एक बंद कमरे में बातचीत हुई। महाराष्ट्र के पुणे जिले में पुलिस ने करीब 1,100 करोड़ रुपए मूल्य का 600 किलोग्राम से अधिक मेफेडॉन नामक मादक पदार्थ जब्त किया है तथा इस सिलसिले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा ने 20 फरवरी को सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बेटे अकाय के जन्म की जानकारी दी है। विराट और अनुष्का दूसरी बार पेरेंट्स बन गए हैं। अनुष्का ने 15 फरवरी को बेटे को लंदन में जन्म दिया था। बीते दिन फेमस एक्टर ऋतुराज का निधन हो गया था और इस खबर से हर कोई सदमे में है। वहीं अब एंटरटेनमेंट जगत से एक और दुखद खबर आ रही है। दरअसल रेडियो विविध भारती के सबसे जाने माने अनाउंसर व टॉक शो होस्ट अमीन सयानी का निधन हो गया है। भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार रवि किशन जल्द ही नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज मामला निकल है में नजर आने वाले हैं। इस सीरीज में वो त्यागी वकील का किरदार निभाने वाले हैं। ऋषभ पंत के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। पंत ने क्रिकेट के मैदान में वापसी कर ली है और बेंगलुरु के नजदीक अलूर में उन्होंने पहला मैच खेला है। भारत और इंग्लैंड की टीम का नया ठिकाना अब रांची है। इसी शहर में 23 फरवरी से दोनों टीमों के बीच सीरीज का चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। अब तक खेले 3 टेस्ट में बढ़त 2-1 से भारतीय टीम के पास है। ये थी आज की टॉप 20 खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।